अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं किचन विद सामिया यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ़िश फ्राई, जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून हमें फ्रेश लहसुन चाहिए होगा, जो कि मैंने कूट लिया है, और ये दोनों फ्रेश होने चाहिए। इसके बाद हमें कुछ मसाले रोस्ट करने हैं, जिनमें है 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया है, जो कि इस तरह मेरे पास क्रश फॉर्म में है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, जो बिल्कुल भी कुटा हुआ आपने इसके अंदर नहीं यूज़ करना। और 1 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है, और साथ में हमारे पास दूसरे मसाले हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे। और इनको अब मैं बताती हूँ, ये पाउडर मसाले हैं। 1.5 टीस्पून नमक, और यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, जो कि चिली फ्लेक्स हैं। 1 टीस्पून हमारे पास मेथी है, जो लीव्स होते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, हल्दी हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून, और ऑरेंज फूड कलर हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून। इन दोनों का मिलके कलर बहुत खूबसूरत आएगा कोटिंग में। सबसे पहले ड्राई रोस्ट करने के लिए आपने स्टोव को ऑन कर देना है मीडियम पे, और इसके अंदर ये तीनों डाल देने हैं ये मसाले। और अब इसके अंदर कोई हमने ऑयल वगैरह नहीं डालना, फ्लेम को मीडियम पे रखना है, और इसको इसी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने रोस्ट करना है। जैसे ही आप इसको रोस्ट करना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा इनके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी, और इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा फ़िश के अंदर। अब इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्लेम को मैं कर रही हूँ ऑफ, और ये मसाला डन हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। मसाला रोस्ट करने के बाद अब यहाँ पर फ़िश मेरे पास 1 kg से थोड़ी कम है। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, इससे स्मेल एक तो ख़त्म होती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और अब लहसुन हम इसके अंदर डालेंगे। अब आप चाहें तो ग्लव्स पहन के हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो पूरी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे वो तो जब हम इसके अंदर मसाले वगैरह डाल देंगे तब करेंगे। तो अभी बस मैं इसको इसी तरह से मिक्स करती हूँ। और अब आपने एक बाउल लेना है, और उसके अंदर ये जो मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे ये डालने हैं, और साथ में ही जो हमारे पास ये वाले मसाले थे पाउडर फॉर्म में, वो हम इसके अंदर डालने हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे, और इसके अंदर साथ में ही 1 से 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है हमने, और बस अब हम इसी तरह मसाले को इस ऑयल के साथ हल्का सा बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला बिल्कुल डन हो चुका है, और अब हम इसे फ़िश पे लगाते हैं। इस तरह से सारा ये मसाला एक वक्त में इस फ़िश के अंदर चला जाएगा। और अब आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसाला लगाना है। मसाले को अच्छी तरह से आपने मछलियों पे लगा देना है। और अब हम इसको छोड़ रहे हैं, मैं तो कम टाइम के लिए छोड़ रही हूँ, सिर्फ 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, लेकिन आप इसको 12 घंटे तक के लिए रख सकते हैं बीच में, यानी कि जितना टाइम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर आपने रखना है, फ्रिज से बाहर नहीं रखना। फ़िश मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। कोटिंग के लिए सबसे पहले हमें बाउल में डालना होगा 3/4 कप बेसन। ये हम कोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून चावल हैं पिसे हुए। ये हम क्रिस्पी चाहिए हमें ऊपर की कोटिंग, तो इसलिए हम ये डाल रहे हैं, इससे क्रिस्पी सा ये बनेगा। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर आपने डालना है, और एक पेस्ट इसका रेडी कर लेना है, लेकिन पेस्ट इसका पतला नहीं होगा, थिक सा होगा। इसके अंदर टोटल 1/3 कप और 1 टेबल स्पून पानी यूज़ हुआ है। और अब ये अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। और अब हम कोटिंग स्टार्ट करते हैं। कोटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने एक पीस लेना है, और उसको इस तरह से इस मिक्सचर के अंदर डिप करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर फूड कलर ऐड कर चुके हैं। अगर आप मैरिनेशन के वक्त नहीं ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप इस वक्त बेसन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आपने पूरा इसके ऊपर कवर करना है, और इसको थोड़ी देर इसी तरह से पकड़ना है, ताकि एक्स्ट्रा जो कोटिंग है इसके ऊपर, वो अगर उतर रही है तो वो उतर जाए।
इसलिए हम इसके अंदर कोई मसाला वगैरह नहीं डाल रहे कोटिंग के अंदर, क्योंकि इस तरह से ये ऑलरेडी मसाला उतर रहा है। तो अगर हमने और मसाला शामिल कर दिया इसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसी तरह सारी रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। कोटिंग हमारी डन हो चुकी है और साथ में मैंने ऑयल भी रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ऑयल परफेक्ट टेम्परेचर पे गर्म है या नहीं। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है और फिर हम देखते हैं कि कोटिंग परफेक्ट रेडी है इसकी या नहीं। तो ये देखें, इसमें इस तरह से ये बबल्स आने लग गए हैं और अब हम इसके अंदर फिश डालते हैं। तो इस तरह से हम एक एक पीस लेंगे और उसको रख देंगे। फ्लेम इस वक्त हाई होनी चाहिए और ऑयल भी बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल इसका ठंडा हुआ तो कोटिंग हमारी उतर जाएगी और फिश का मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। पैन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने इतनी ही डाली हैं, इतनी इतनी इनके अंदर स्पेस ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम 2 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे। 2 मिनट से पहले आपने इसको छेड़ना ही नहीं है। 2 मिनट हो चुके हैं और ये टाइम है इसको टर्न करने का। तो हम इस तरह से लेंगे, ये देखें चिपके नहीं हैं ये आपस में, बस ये आपस में चिपक गए क्योंकि बेसन है ना, तो आपने एहतियात से करना है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आया है, ये देखें इसी तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी से सारे बनेंगे। और मैं सारे टर्न करती हूँ और अभी फ़ौरन ही आपने फ्लेम को कर देना है, पहले हाई थी, अब फ्लेम को आपने कर देना है मीडियम पे, लेकिन इससे ज़्यादा स्लो फ्लेम आपने नहीं करनी। और अब मीडियम टू लो या लो फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट पकाना है। अब हम फिश को डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि हम इसको दोबारा भी फ्राई करेंगे। मैंने आपको पहले 10 मिनट बोला था, वो इसका टोटल फ्राई का टाइम था। तो 8 मिनट हमने इसको अभी किया है और फिर बाद में हम इसको 2 मिनट और करेंगे, इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी से हो जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कोटिंग हुई है। ये वाले फिशेस के पीसेस भी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इन पर कोटिंग आई है। और अब हम इसी तरह से इनको डिश आउट करते हैं और फिर जो पहले हमने इस तरह से फ्राई किए थे उनको हम दोबारा से फ्राई करेंगे। अदर क्रिस्पी करने के लिए हम दोबारा से फर्स्ट टर्न को फ्राई करेंगे और आप देखें कि हमने दोनों फ्राई कर लिए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल हल्के हल्के से ज़र्रे कोटिंग के उतरे हैं, वो भी जो एक्स्ट्रा मसाला होता है वो उतरा है। बाकी ऑयल इतने अच्छे टेम्परेचर पे था कि बिल्कुल भी कोटिंग नहीं उतरी। और अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे कर देंगे और दोबारा से ये वाले पीसेस डालेंगे और बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, सिर्फ 2 मिनट तक के लिए हम इसको दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। ये देखें फिश हमारी डन हो चुकी है। 2 मरतबा मैंने फ्राई किया है, सारी फिशेज डन हैं और कलर भी इनका कितना खूबसूरत आया है, कोटिंग भी कितनी अच्छी है इनके ऊपर। और अब हम इसके साथ बनने वाले चटनी रेडी करते हैं। ये हमारी फ़िश फ्राई रेडी हो चुकी है और इसके साथ जो मैंने चटनी बनाई है वो सिंपल, हाफ से भी कम मीडियम साइज़ का टमाटर, धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और ज़ीरा डाल के इसकी चटनी हमने रेडी कर ली है। और आप इसको साथ सैलेड के साथ सर्व करें तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। प्याज के रिंग्स आप, टमाटर और साथ में लीमू हम इसके ऊपर ज़रूर निचोड़ेंगे। तो लेमन के स्लाइसेस मैंने रख लिए हैं और एक लीमू इस तरह से ऊपर आप इसके स्क्वीज्ड करें तो उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये देखें कितने अच्छे इसके अंदर से ये गल गया है, कांटे भी इसके अंदर है, तो आप एहतियात से ही खाइएगा। और कोटिंग भी देखें कितनी अच्छी थी ये रही। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।